वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रेशर लिक्विड्स में कैसे वर्क करता है एंड किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। स्टार्ट करते हैं। प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ। इसका मतलब है कि लिक्विड में प्रेशर जो है वो डेप्थ के हिसाब से इंक्रीज करता है। इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक लिक्विड एक वेसल में रखा हुआ है और यहाँ पे तीन होल्स है, तीन होल किया गया है अलग अलग डेप्थ पे। अलग अलग डेप्थ पे मतलब वाटर के अलग अलग हाइट पे। सो प्रेशर इस पे डिपेंड करता है। कैसे देखते हैं, फर्स्ट वाले जो होल है उसमें से लिक्विड जो निकलेगा उसका प्रेशर कम होगा। क्यों क्यों कम होगा? क्योंकि इसके ऊपर जो वाटर है, ये जो रीजन है वाटर का, इसके ऊपर ये बहुत कम है। ठीक है, इट मीन सिंपली बोले अगर ये होल के ऊपर जो हाइट है जहां तक वाटर है वो बहुत कम है, वाटर लेवल का हाइट बहुत कम है, इसलिए इसमें प्रेशर कम है। अगर हम सेकेंड होल पे देखें इसका प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा डिस्टेंस तक भी जा रहा है। इसका प्रेशर इसके कंपेरिजन में ज्यादा है क्योंकि इसके ऊपर जो वाटर लेवल का हाइट है वो ज्यादा है। देखेंगे इतना ज्यादा वाटर इसको प्रेशराइज कर रहा है, इतना ज्यादा वाटर, तो इसमें ऑफकोर्स प्रेशर ज्यादा है। और लास्ट वाले में सबसे ज्यादा होगा क्योंकि हाइट यहाँ सबसे ज्यादा हो जा रहा है इन दोनों के कंपैरिजन में। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा और एकदम हाई प्रेशर जेट निकलेगा एकदम लास्ट में जाएगा। इसके ऊपर जो वाटर का कंटेंट है वो और ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है, इतना हाई है। लोअर में प्रेशर और ज्यादा हाई हो जाता है। तो इससे हम सीखे कि लिक्विड में प्रेशर जो है वो हाइट पे डिपेंड करता है, या अगर बोले डेप्थ पे डिपेंड करता है। जितना इंक्रीज होगा डेप्थ उतना ज्यादा प्रेशर उसमें बढ़ेगा। नेक्स्ट केस देखते हैं। प्रेशर इन लिक्विड्स एट अ डेप्थ एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर डेप्थ में जो प्रेशर है वो इक्वल होता है पूरे एरिया के किसी भी पॉइंट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हम डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर में हाइट में लेफ्ट हैंड साइड में हम होल किए, राइट में भी 10 सेंटीमीटर के हाइट पे ही राइट हैंड साइड पे होल किए हैं और फ्रंट में भी उसी हाइट पे हम होल किए, एक बॉटल में इस तरह से होल किया हुआ है। जो प्रेशर है हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ से जितना वाटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है यहाँ से भी सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसका मतलब है इन दोनों में सेम प्रेशर लग रहा है, इसमें भी सेम लगेगा। इन तीनों में सेम प्रेशर लग रहा है। क्यों सेम प्रेशर लग रहा है? क्योंकि ये सेम हाइट पे है। ठीक है, सेम हाइट पे है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर प्रेशर लगता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है या एकदम इक्वल होता है सारे डायरेक्शन पे। तो यहाँ जितना भी डायरेक्शन, यहाँ से भी होल करेंगे तो भी उतना ही प्रेशर आएगा, यहाँ से भी होल करेंगे तो उतना ही प्रेशर आएगा, बस डेप्थ सेम होना चाहिए। सारे डायरेक्शन पे, ऑल द डायरेक्शन पे जो प्रेशर है वो सेम लगता है एक पर्टिकुलर डेप्थ पे। ओके, ये नेक्स्ट केस। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेशर इन लिक्विड्स डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी पे भी प्रेशर डिपेंड करता है। इस डायग्राम में देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो ट्यूब पकड़े हुए है, इसमें ये ट्यूब में नीचे बैलून लगा है, इसमें भी बैलून लगाया है, इसमें भी एक बैलून लगाया है। अब इस ट्यूब में कुछ नहीं है, खाली है, एयर है। ये बैलून एकदम डिफ्लेटेड है, इसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं है अभी। ठीक है, ना ही ये बल्ज आउट हुआ, बाहर नहीं निकला है, बल्ज आउट नहीं हुआ, एकदम डिफ्लेटेड है। सेकेंड वाले केस में हम देखेंगे जब हम लिक्विड डाले लाइक पेट्रोल यहाँ पे हम डाले हैं, ये बैलून थोड़ा सा बल्ज आउट हुआ है, थोड़ा सा बल्ज हुआ है ये बैलून। इस हाइट तक हम पेट्रोल डाले हैं, ठीक है, ये बल्ज हुआ है। और थर्ड वाले केस में देखेंगे सेम हाइट तक हम वाटर डाले हैं, ये इतना ज्यादा बल्ज आउट हो गया, इतना ज्यादा बल्ज आउट हो गया, क्योंकि पेट्रोल का डेंसिटी कंपैरेटिवली वाटर से कम है, इसीलिए इसमें जो प्रेशर लग रहा है इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं जो प्रेशर लग रहा है वो कम लग रहा है, इसीलिए बैलून कम बल्ज आउट हुआ है नीचे से। ठीक है, और यही चीज अगर इसमें देखेंगे वाटर का डेंसिटी पेट्रोल से ज्यादा है, इसीलिए इसमें जो बैलून है वो ज्यादा बल्जेस आउट हो गया है, मतलब बहुत बल्ज आउट हो गया है क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा क्रिएट हुआ है। इसका मतलब है कि सेम अमाउंट का कोई चीज ले और अगर उसमें डेंसिटी डिफरेंट हो, जिसमें ज्यादा डेंसिटी होगा उसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा, जिसमें कम डेंसिटी होगा उसमें प्रेशर कम लगेगा। डेंसिटी पे प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड जो है हर डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करता है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे, सपोज करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर डायग्राम है, ये मॉलिक्यूल जो है ये सब वाटर मॉलिक्यूल्स है और एक क्यूब है, इस क्यूब में हम वाटर फिल कर दिए। ठीक है,
पूरा वाटर ऊपर तक एकदम टाइटली फिल्ड है, और ये मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, मॉलिक्यूल कुछ ही मॉलिक्यूल्स यहाँ दिखाए हैं। सो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। सो मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन पे होते हैं हमेशा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने कहा था कि मॉलिक्यूल्स जो अंदर होते हैं या वाटर लिक्विड में या गैस में, वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, जिसको हम लोग फ्लूइड्स बोलते हैं। फ्लूइड्स में वो मोशन में होते हैं। सो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है ये कम्प्लीटली मोशन में है। इसी को हम सेकंड डायग्राम पे भी दिखा सकते हैं। एक सिंपल सा कंटेनर का हम एक क्रॉस सेक्शन डायग्राम यहाँ दिखा रहे हैं। इसमें एक कंटेनर के अंदर वाटर कंटेंट या कोई भी लिक्विड कंटेंट यहाँ डाले हैं, और ये ब्लैक वाला मॉलिक्यूल्स बता रहा है, ब्लैक वाला जो है ये मॉलिक्यूल्स बता रहा है। अब ये रेड क्या बता रहा है, यहाँ पे भी ये रेड है, यहाँ पे भी रेड, ये क्या बता रहा है? ये एक्चुअल में बताना चाह रहा है कि जो ये मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा अपने जो बाउंड्रीज है जिसमें वो पैक्ड है उससे टकराते रहते हैं और उसमें प्रेशर लगाते रहते हैं कि वो बाहर निकल सकें। सेम इसमें भी है, इसी को मैंने क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखाया है। ये जितना भी क्यूब्स का साइड है सभी में ये मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रेशर लगा, मतलब हिट कर रहे हैं, क्योंकि ये मोशन में है। सो ये हिट कर रहे हैं इसके सरफेस को, आउटर से मतलब अंदर से सरफेस को हिट कर रहे हैं ताकि ये बाहर निकल सके। सो एनी टाइम ये चीज़ फॉलो होता रहता है, एवरी टाइम जब भी आप फिल्ड रखेंगे लिक्विड्स को या गैस को तो ये चीज़ फॉलो होता है। सेम चीज़ हम लोग क्रॉस सेक्शन में क्लियर देख सकते हैं कि ये पूरा क्लियरली एक प्रेशर लगा रहा है ताकि ये जो अंदर कंटेंट है, जो लिक्विड हम लिए है, लिक्विड है, वो बाहर निकल सके। सो ये प्रेशर का डायरेक्शन दिखा रहा है रेड वाला लाइंस, कि किस तरह से प्रेशर लगाया जा रहा है। मतलब इससे पता चलता है कि जो वाटर कंटेंट है, हम लोग सपोज किए कि इसमें वाटर है, सो वाटर कंटेंट जो है वो एक्चुअली में पूरा सरफेस पे एक तरह का प्रेशर लगाते रहता है एनी टाइम ताकि वो बाहर निकले। सो इससे पता चलता है कि लिक्विड्स एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन पे ये प्रेशर लगा रहा है। आप देख सकते हैं सारे एरिया पे ये प्रेशर लगा रहा है। क्लियर यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन डायग्राम में कि सारे ये सारे आउटर सरफेस पे जो इसका बाइंडिंग सरफेस है उस पे ये एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ है मॉलिक्यूल्स। अब देखते हैं लैटरल प्रेशर क्या होता है। लिक्विड एग्जिट लैटरल प्रेशर जो हम अभी पढ़े उसी के अकॉर्डिंग लैटरल प्रेशर बनता है। और एक सपोज करते हैं कि ये एक ग्लास है, ग्लास में हम यहाँ पे लिक्विड रखे हुए हैं, ये लिक्विड अभी प्रेशर लगा रहा है, ऑफकोर्स नीचे तो डाउनवर्ड तो लगा ही रहा है प्रेशर, लेकिन ये साइडवेज भी लगा रहा है, साइडवेज मतलब वॉल्स पे, ठीक है। जैसे कि हम लोग पिछला डायग्राम में देखे कि वो जितना भी वॉल्स होता है वो सब पे प्रेशर लगाता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी लिक्विड जो है वो वॉल्स पे प्रेशर लगा रहा है, यहाँ पे भी लगा रहा है, नीचे तो लगा ही रहा है, फिर यहाँ पे भी प्रेशर लगा रहा है। अब अगर हम यहाँ से एक होल क्रिएट कर दे, एक होल कर दे यहाँ से, ऐसे होल कर दे, सो लिक्विड यहाँ से फ्लो करने लगेगा तुरंत। इसी को हम लोग लैटरल प्रेशर बोलते हैं। जब कोई चीज अपने वॉल पे प्रेशर लगाए, कोई लिक्विड अपने वॉल्स पे प्रेशर लगाए इस तरह से, ये जो वॉल साइड वॉल्स है इस पे प्रेशर लगाता है, सो इसको हम लोग लैटरल प्रेशर बोलते हैं। लैटरल प्रेशर का प्रूफ बहुत सिंपल है, यहाँ पे अगर होल कर देंगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा। इसका एक और कंपैरेटिव एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे हम सॉलिड लिए एक ट्यूब में, और यहाँ पे बैलून लगाए हैं ट्यूब में, यहाँ पे होल करके, और एक ट्यूब है, यहाँ पे एक ट्यूब है, इसमें हम वाटर लिए है, यहाँ पे बैलून लगाए है होल करके। हम देखेंगे कि ये जो सॉलिड है ये यहाँ रखा हुआ है, बट ये इस बैलून में नहीं आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लैटरल प्रेशर नहीं दिखाता, लैटरल प्रेशर का प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है, ये वॉल्स पे प्रेशर नहीं लगा रहा, ये सिर्फ नीचे प्रेशर लगा रहा, वॉल्स पे इसका कोई प्रेशर नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई ये प्रेशर नहीं लगाया इस साइड में, इसलिए बैलून डिफ्लेटेड ही है। लेकिन इसमें देखेंगे लिक्विड में ये वॉल्स पे प्रेशर लगाता है, ये पूरे इसका जो वॉल एरिया है ये पूरे पे प्रेशर लगा रहा है, यहाँ पे भी वॉल एरिया है, इस पे पूरे प्रेशर लगाया है। तो जैसे ही यहाँ पे एक होल करके बैलून लगाया गया, ये लिक्विड इसमें फ्लो हो गया और ये बैलून बल्ज आउट हो गया। सो इससे समझ में आता है कि ये वॉल्स पे प्रेशर लगाता है, ठीक है, बट सॉलिड वॉल्स पे प्रेशर नहीं लगाता। सो लिक्विड लैटरल प्रेशर शो करता है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड। फॉर सपोज करते हैं कि एक लिक्विड कंटेंट है, यहाँ पे हम इस ट्यूब में इसको फिल कर दिए हैं, यहाँ तक फिल किया हुआ लिक्विड कंटेंट, और उसके बाद हम ऊपर से पिस्टन के जरिए इसको पुश कर रहे हैं, ये एक रॉड है सिंपल सा, इससे हम इसको पुश कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ होल्स किया है, इमिडिएटली कुछ होल्स किया हुआ है जिससे लिक्विड बाहर आएगा, ठीक है। सो इमिडिएट होल करने के बाद हम जैसे ही इसको पुश करेंगे, सो देखेंगे कि लिक्विड यहाँ जितना प्रेशर से निकल रहा है यहाँ भी उतना ही प्रेशर से निकल रहा है, यहाँ भी उतना ही प्रेशर से निकल रहा है, यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। सो हम पहले पढ़े थे कि लिक्विड जो है वो प्रेशर उसका इंक्रीज होता है डेप्थ पे, मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ यहाँ होना चाहिए, ज़्यादा डेप्थ है हाइट के हिसाब से, यहाँ सबसे कम होना चाहिए, वो अभी भी है,
ठीक है, उसमें कुछ वो लॉ में कुछ चेंजेस नहीं है, वो अभी भी है, लेकिन वो लिक्विड जब रखा है तब उस पर अप्लीकेबल होता है। अगर हम कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ऊपर से ऐड कर रहे हैं, यहाँ हम उसको पुश कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर रहे हैं, तो जब हम कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लिक्विड में ऐड करते हैं सो वो पूरे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो पहले यहाँ से जो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा ऑफ कोर्स वो ज़्यादा होगा इन दोनों पॉइंट से, लेकिन जब हम यहाँ से एक्स्ट्रा प्रेशर डाले इसमें सो अब जो इंक्रीज इन प्रेशर हुआ वो सभी पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसको ये डायग्राम दिखा रहा है। यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होके बढ़ा, जितना यहाँ बढ़ा उतना ही यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही, हर पॉइंट पे लिक्विड के अंदर भी हर पॉइंट पे जो प्रेशर इंक्रीज हुआ वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली इंक्रीज होगा जितना प्रेशर हम यहाँ से लगाएंगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेबल है, मतलब कि इक्वली हर पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। सो लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल का मतलब है कि लिक्विड अपना लेवल मेंटेन करता है। फॉर सपोज यहाँ से इस पॉइंट से हम लिक्विड इसमें डालें, ये ट्यूब इस तरह से पूरा कनेक्टेड है, सो लिक्विड सब में ट्रांसफर होगा, ऐसे पूरा ट्रांसफर होगा, फिर यहाँ ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ खाली ऊपर जाएगा, वो सब में ऊपर जाना चालू होगा, यहाँ भी ऊपर जाएगा, यहाँ भी ऊपर जाएगा, ठीक है। सो लिक्विड जैसे जैसे हम यहाँ से डालते जाएंगे वो सभी में ऊपर ऊपर बढ़ता रहेगा, ठीक है, इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन हम ये नोटिस करेंगे कि एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम लिक्विड डालना रोक दें, फॉर सपोज यहाँ तक जब लिक्विड पहुँच गया तो हम उसका लिक्विड और ऐड करना रोक दिए, सो हम ये नोटिस करेंगे कि सभी ट्यूब्स में, चाहे वो ट्यूब ऐसे स्लैंटिंग वे में रखा हो या सीधा रखा हो या ऐसे स्पाइरल वे में दिखे, किसी भी तरह का ट्यूब हो, सभी ट्यूब में एक ही लेवल तक लिक्विड गया है, एक ही लेवल तक, सेम लेवल तक गया है। यहाँ से जैसे इंक्रीज करेंगे सब में सबका थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा रहेगा या इसमें ज़्यादा रहेगा, किसी में भी ज़्यादा नहीं रहेगा, हाइट सब में बराबर रहेगा, मतलब लेवल सब में इक्वल रहेगा। सो लिक्विड जो है वो अपना लेवल मेंटेन रखता है और इक्वली रखता है अगर वो कनेक्टेड इस तरह से रखा जाए तो। कहीं पे भी लिक्विड जब फ्लो करता है सो हाई लेवल से लो लेवल पे ही फ्लो करता है, और जब दोनों का लेवल मैच कर जाता है तो वो फ्लो भी रुक जाता है, चाहे लिक्विड इसमें ज़्यादा हो या इसमें ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कम है या इसमें कम है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हाइट लिक्विड का मेंटेन रहता है हमेशा जब हम लोग लिक्विड इस तरह से कंटेनर में ऐड करके डालते हैं या ट्यूब में इस तरह से ऐड करते हैं। सो जितना भी हाइट तक लिक्विड जाएगा वो सभी में इक्वली जाएगा, इक्वली हाइट क्रिएट करेगा, ओके। सो हम लोग आज देखें प्रेशर इन लिक्विड्स में, हम लोग सीखे लिक्विड एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के वॉल पे प्रेशर लगाता है, उसके बाद लिक्विड एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन बॉटम ऑफ द कंटेनर, बॉटम पे भी लगाता है, ये हम बताए। इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड, हाइट पे डिपेंड करता है, इस डायग्राम में भी क्लियरली देख रहे हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। नेक्स्ट लिक्विड एग्जर्ट साइडवे प्रेशर, साइडवे प्रेशर लिक्विड मतलब कि वॉल्स पे प्रेशर लगाता है, वही चीज है, साइडवे प्रेशर लगाता है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं और इस तरीके से भी बोल सकते हैं, यहाँ से भी साइड वे प्रेशर लगा रहा है, साइड वे जरूरी नहीं है कि सिर्फ नीचे प्रेशर लगाता है। लिक्विड एग्जर्ट्स इक्वल प्रेशर एट सेम हाइट, सेम हाइट पे इक्वल प्रेशर लगाता है, इस डायग्राम में देख रहे हैं हम लोग, ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया था कि सेम हाइट पे इस तरफ होल्ड करे या इस तरफ होल्ड करे इक्वल प्रेशर ही दिखेगा वहाँ पे, और लिक्विड हर डायरेक्शन पे प्रेशर लगाता है जैसे कि इसमें दिख ही रहा है। जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे जितना इंक्रीज इस पॉइंट पे होगा इस पॉइंट पे भी उतना इंक्रीज होगा, सभी पे इक्वल इंक्रीमेंट होगा प्रेशर का, सो इक्वली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जब हम लिक्विड में एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।